ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का माह कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, धन, परिवार, आपका व्यवसाय, नौकरी, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, दुर्घटना, यात्रा आदि का विचार करेंगे। इस माह ग्रह गोचर की स्थिति, मंगल देव आपके मीन राशि में रहेंगे, 16 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, राहु शुक्र मिथुन राशि में ही रहेंगे, सूर्य बुध कर्क राशि में, और 16 तारीख को सूर्य, 17 तारीख को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति और केतु धनु राशि में संचार करेंगे और शनि देव वक्री होकर मकर राशि में ही स्थित रहेंगे। व्रत और त्यौहार, 1 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है, 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी, इसको बहुला चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, और 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा तथा 18 तारीख को कुशाग्रहणी अमावस तिथि घटित हो रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का माह कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यह माह आपका सामान्य रहेगा। थोड़ा एलर्जी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, रक्त से संबंधित फोड़े फुंसी, थोड़ा इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। ऑल ओवर वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह माह आपके अनुकूल रहेगा। धन परिवार की स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति है, सेविंग आपकी बनी रहेगी, परिवार वालों का सहयोग रहेगा, कुल मिलाकर धन और परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी, आपके अनुकूल बनी रहेगी। लेकिन तो इस माह में आपका तो आपको थोड़े संघर्ष बढ़ेंगे, संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन आपका पराक्रम बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इस माह में थोड़े संघर्ष की स्थिति आपकी अधिक रहेगी। अगर हम भूमि जायदाद वाहन की बात करें तो इस माह में आप कोई क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो इसमें आपको लाभ होने की संभावना है। मकान से संबंधित या कोई भूमि जायदाद से संबंधित लाभ गेन प्राप्त कर सकते हैं, और आप कोई कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से तो यह माह छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई के नए अवसर मिलेंगे, कि नया कोई एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आगामी उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में भी यह माह आपका सामान्य रहेगा, प्रेम संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे और आपका जो पार्टनर है तो उससे आपको सहयोग लाभ की संभावना बनी रहेगी। शत्रु पक्ष की दृष्टि से यह माह मिड अगस्त तक थोड़ा तकलीफ वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान दें, कोई शत्रु पक्ष से आपको हानि या जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं आप, उनकी तरफ से कोई धोखा मिलने की चांस रहेंगे, लेकिन 16 अगस्त के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन तो यह माह आपके अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ, आपस में मतभेद पार्टनर के साथ, या पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम, पार्टनरशिप कार्यों में आपको परेशानी, यह माह कोशिश करें कि आप कोई पार्टनरशिप आदि का कोई कार्य ना करें, अन्यथा आपको उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी और आपको नुकसान होंगे। चोट फिट एक्सीडेंट का भय बना रहेगा, तो कोई गुप्त रोग आदि आपको उत्पन्न हो सकते हैं तो थोड़ा ध्यान दें, दुर्घटना आदि का भय भी बनेगा। भाग्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि वहाँ पर आपकी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके फेवर में नहीं है, वह भी आपके अगेंस्ट है। लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह मैं आपका मिड अगस्त के बाद, 16 अगस्त के बाद तो आपके फेवर में रहेगा। थोड़े संघर्षों के बाद सुधार होगा। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है तो वो आपके कर्म भाव पर अच्छी पोजिशन में पड़ रही है, तो 16-17 अगस्त के बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह माह आपके अनुकूल रहेगा, आपको उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से यह माह ठीक है,
सामान्य स्थिति रहेगी, गुजारे लायक आय के साधन बनेंगे, लेकिन अचानक कहीं से कुछ तो आपको लाभ भी मिल सकता है। तो यात्रा आदि से बचें, जिस वहाँ आप ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करें तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि यात्रा आदि का भय रहेगा, चोट दुर्घटना और आपका अनावश्यक खर्चा, वेस्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ऑल ओवर अगर हम देखें तो यह मैं आपका 30-40% तक आपके अनुकूल रहेगा, अन्यथा तो यह माह आपके प्रतिकूल रहेगा। तो थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें, कोई भी कार्य आप सोच समझ के करें तो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको इस माह में लाभ के बजाय नुकसान की संभावनाएं अधिक बनी रहेंगी। तो इस माह की अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी अशुभ तिथियाँ 5-6 तारीख को कोई भूमि मकान जायदाद का कोई क्रय विक्रय ना करें। 15-16 तारीख को चोट दुर्घटना आदि का भय, तो कोई गुप्त रोग या कोई बीमारी आपको क्रिएट हो सकती है। और 23-24 तारीख को तो आपको यात्रा आदि बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इस माह में जो आपके अशुभ फल, ग्रहों के जो अशुभ फल आपके ऊपर घटित हो रहे हैं, जो उनको अनुकूल बनाने के लिए तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। इस माह शुक्र की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, जिससे आपको चोट फेट, एक्सीडेंट, शारीरिक बीमारी, आपका दाम्पत्य सुख, लाभ, बिजनेस पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों में नुकसान हो सकता है। तो उसको अनुकूल बनाने के लिए, उसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको एक छोटा और सरल उपाय बताता हूँ, आप उसको कीजिए तो उसके आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपते नमः तो 108 बार बोलिए, तो उसके बाद आप शुक्र बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, या ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः। तो शुक्र बीज मंत्र की एक माला का जाप आप प्रतिदिन करें, और शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद आप किसी मंदिर में या घर के ही मंदिर में चढ़ाएं, और सबको, घर वालों को, या मंदिर में चढ़ाते हैं तो बाहर, तो मंदिर से बाहर कुछ लोगों को तो प्रसाद वितरित करें। और शुक्रवार के दिन एक नारियल ले लें, सूखा नारियल, उसको ऊपर से कट कर दें, और उसके अंदर तो आपके व्हाइट कलर की जो शुगर होती है, जो चीनी, तो उसको आप भर दें, तो उसको फिल कर दें, और उसको गड्ढा खोदकर ग्राउंड लेवल पे कहीं ज़मीन में दबाएं और पीछे मुड़कर नहीं देखें। और पक्षियों को सफ़ेद चावल और चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाएं, तो इस माह के जो अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे और इसके थोड़े शुभ फल घटित होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली जानकारियां आपको मिलती रहें और आपका मार्गदर्शन होता रहे। जय श्री हनुमान।